एसटी टोकन के अभी क्या हालात चल रहे हैं आप सभी को पता है कि अभी इसकी वैल्यू 1 सेंट के आसपास भी नहीं रही है और इसकी वैल्यू लगातार ड्रॉप हो रही है। इसी के साथ साथ जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एसटीए के जो टॉप लीडर्स के साथ साथ उनकी टीम है, उनको भी अर्निंग्स मिलनी बंद हो चुकी है। यानी कि इसमें जो MLM प्लान चल रहा था उसमें अर्निंग्स भी बंद हो चुकी हैं। बहुत लोगों को शायद यही लग रहा था कि शायद ये जो इनकम्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगी और एसटीए फिर से रिकवर करेगा या फिर $1, $4, $5 पहुंचेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इनकी काफ़ी सारी बड़ी प्लानिंग्स बनी हुई थी कि कुछ नई लॉन्चिंग्स करने वाले हैं, अपने डेक्स लॉन्च करने वाले हैं, तो बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे नीचे मेरी वीडियोस के कि हाँ अभी तो डेक्स लॉन्च होना है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एसटीए ऑलरेडी स्कैम कर चुका है, स्कैम हो चुका है, और इसके पीछे जो लोग थे जो इसको रन कर रहे थे वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब अरेस्ट वारंट भी निकले हैं, उसी के साथ साथ अभी जो गोविंदा एक्टर हैं उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जा रहा है इस चीज़ का, जो मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, इसी के साथ हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि इस टोकन की आने वाले समय में वैल्यू क्या होने वाली है। तो अगर आपने भी एसटी टोकन में इन्वेस्ट किया है या फिर आप अभी भी उसके MLM प्लान में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। वैसे सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देते रहता हूं, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है। इसी के साथ साथ क्या है कि अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे टेलीग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हैं। वॉल्फ ट्रेड डिस्कस के नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पे आप किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे कि एसटी के बारे में। अगर आपको और जानकारी चाहिए या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो या फिर आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हैं। अभी अगर हम बात करें एसटी टोकन की तो सबसे पहले गोविंदा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एसटी टोकन की थोड़ी डिटेल में जाएंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे। तो जो ओडिशा की पुलिस है वो ऑलरेडी गोविंदा के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी की प्रमोशन करी थी। इसी के साथ कई सारी उनकी वीडियोस भी सामने आई हैं सोलर टेक्नो अलायंस टोकन को लेकर, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम से रिलेटेड था। और इसका जो एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जुलाई में गोवा में, तो तब गोविंदा सामने आए, तो जिस कारण अभी इनका नाम भी इसी में आ रहा है क्योंकि ये 1,000 करोड़ का फेक क्रिप्टो करेंसी का स्कैम बन चुका है जिसमें गोविंदा एक्टर जो कि बॉलीवुड एक्टर है वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। इतने हज़ारों करोड़ों का जब स्कैम होता है ना तो हमेशा जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो सारे के सारे बीच में आ जाते हैं, चाहे वो टॉप लीडर्स हों, क्योंकि उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, FIRs भी दर्ज करी जाती हैं स्टेट्स के बेसिस पर। यानी कि अगर वो किसी स्टेट को पूरा हैंडल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब को, राजस्थान को, गुजरात को हैंडल कर रहे हैं, वो टॉप लीडर है, तो उनके ऊपर भी एलिगेशंस आती हैं और इवन सर्च वारंट्स भी आते हैं। EOW के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं पुलिस सुस्मिता साहू, उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही जल्द भुवनेश्वर में इंटरोगेशन के लिए बुलाने वाले हैं गोविंदा को, या फिर वो खुद मुंबई में जाकर उनसे पूछताछ करने वाले हैं इस फंक्शन के रिलेटेड कि उन्होंने इस कंपनी के रिलेटेड क्यों ऐसे प्रमोशन करी है और ऐसी वीडियो सामने क्यों आ रही है और इसी के साथ उनका क्या लेना देना था, क्या उन्होंने कोई इसकी पेमेंट्स ली हैं या नहीं। तो अभी तक गोविंदा का कितना ज़्यादा रोल था ये हम नहीं जानते हैं। इवन पुलिस का जो कहना है उनका भी यही है कि कोई उनका एग्जैक्ट रोल क्या था इसमें अभी तक पता नहीं चला है। जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तब पता चलेगा कि इस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है। अगर हम बात करें जो गुरतेज सिंह सिद्धू हैं, उनको तो ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया था, सबसे पहले उनका ही अरेस्ट हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया था कि $20 से लेकर $3,000 तक आप डेली अर्न कर सकते हैं क्रिप्टो टोकन से, जो कि एसटी के नाम से है, और आपको 5 साल तक होल्ड करके रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले पाएं। तो ये जो सिद्धू हैं इनको चीटिंग के, फ्रॉडरी में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, IPC के केसेस में अभी इनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के अंडर भी इनको अरेस्ट किया गया है। काफ़ी सारे एसटी के हेड हैं जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, इन सभी जगहों से वो भी अरेस्ट में हैं या फिर ऑलरेडी वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि जो जितने ज़्यादा लोग इसमें आए थे या फिर जिनके साथ चीटिंग हुई है, जिनके साथ स्कैम हुआ है एसटी टोकन को लेकर, वो लगातार कंप्लेंट्स दर्ज कर रहे हैं, वो अपने टॉप लाइन मेंबर्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट्स कर रहे हैं। यही कारण है कि अभी ये कंपनी बिल्कुल फेल होती चली जा रही है। शायद अगर ऐसा ना होता तो हो सकता है कि एसटी टोकन सही ढंग से काम भी कर पाता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट कोई भी है इंडिया में उसके ऊपर गवर्नमेंट को या फिर जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको तो सिर्फ एक बहाना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट बंद करने के लिए। लेकिन एसटी टोकन सच में फेक प्रोजेक्ट था, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया है। हमारी पिछली 2-3 वीडियोज़ हैं जिनमें हर एक चीज़ मैंने आपको खोल के बताई है, जिसमें इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कि एक्चुअल में एसटी टोकन कितना फेक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि अभी तक वेबसाइट्स जो हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, या फिर जो टॉप लीडर्स उनका कहना था कि अभी डेक्स भी आने वाला है,
तो मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियरली बता दी थी कि ये सब कुछ फेक ही दिखाया जा रहा है, इनकी चेन भी नहीं है। अगर चेन नहीं है तो मतलब इनका कॉइन भी नहीं है, तो जो टोकन है टोकन भी बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर बिल्ड किया गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर किसी ने ये चीज़ सामने नहीं लाई कि इनकी जो टोटल सप्लाई है वो गलत दिखाई जा रही थी। 210 मिलियन की सप्लाई कहीं पर दिखाई जा रही, कहीं पर मिलियंस एंड बिलियंस में दिखाई जा रही है, और एक्चुअल में इनका जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है अभी भी $1.8 मिलियन के आसपास चल रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था, हालांकि अभी कम होता जा रहा है। अगर हम इसके कॉइन की वैल्यू की बात करें $0.008 के आसपास पहुंच चुके हैं, लगातार डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वैल्यू एक सेंट के आसपास भी नहीं रही है। और जितनी भी इनकम चल रही थी MLM की या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो इनकम चल रही थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि अभी सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पैसा आएगा नहीं STM में तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगा। हालांकि इनकी वेबसाइट देखें तो वेबसाइट अभी भी उसी तरीके से रन कर रही है, आप हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है ट्विटर के नाम से, वो ऑलरेडी बैन कर दिया गया, ऑलरेडी बंद कर दिया गया। तो धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता जा रहा है। अगर आपने इसमें पैसा लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली कॉइन की बात कर रहा हूँ, टोकन में अगर आपने पैसा लगाया हो तो वो टोकन से पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, जब आपको वैल्यू बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अभी मिलेगी तो शायद आपको 10 गुना कम वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद आपको 10 गुना कम के 100 गुना कम मिलने वाली, या फिर वो 0 के बराबर ही हो जाएगी, जिसका कोई भी फायदा नहीं रहेगा। इसी के साथ आपके जो लीडर्स हैं या फिर आपके जो टीम मेंबर्स आपके डाउनलाइन में, उनको भी थोड़ा संभालिए, ताकि वो भी इस चक्कर में ना बसें, और हमेशा हमारे वीडियोज़ को देखते रहना। कोई किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर किसी कॉइन टोकन में आप इन्वेस्ट करने वाले, नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको क्लियर करके दूंगा कि इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और जाता हूँ इस STA टोकन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है लगातार बढ़ता चढ़ता रहता है। कहने का मतलब ये कि वॉल्यूम 24 आवर्स का आप देखोगे यहाँ पे 78% इंक्रीज़ हुआ है पिछले 24 घंटे का। इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडिंग तो अभी भी चल रही है, बहुत लोग अभी भी इसमें विश्वास करके बैठे हैं कि शायद ये टोकन चलेगा, इसमें अभी भी उनको पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये टोकन $3 तक गया था, और अभी इसकी वैल्यू $0.008 के आसपास रह चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिक्लाइन आया है इसमें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो बची हैं वो सिर्फ यही पॉजिटिव दिख रही है कि इनका जो डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो भी अभी $1 मिलियन में चल रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि इसमें लाखों लोगों ने पैसा लगाया होगा, और कई लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा, बहुत इलिटरेट लोगों ने इसमें पैसा लगाया, जिनको ये भी नहीं पता कि सेल कैसे करना है या फिर इससे पैसा कैसे निकालना है। लेकिन जो लीडर हैं वो आपको गाइड नहीं करने वाले कि इसको सेल करना चाहिए, उनको ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे या फिर और इन्वेस्ट करोगे तो उनकी तो डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, रेफरल इनकम बनती रहेगी, चाहे आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करूँगा हमारे ST के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर दो, और उनके साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने STM में पैसा लगाया हुआ है या फिर एज ए लीडर काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।